Hello everyone, how are you all? Good morning, good afternoon or good evening, whatsoever the time you are seeing the lecture. That is, for that I am wishing you all. Now we are going through with the topic AC, alternating current, and in that topic we have done till IRMS value of current. I have given you the introduction of IRMS. What is the meaning of IRMS? Root mean square velocity. And we have derived this relationship, that significance of IRMS we have done, that is heat dissipated or energy dissipated through a resistor is equal to I square of IRMS into resistor into what? Time. Time for which it is flowing, and the definition we have done. Now today what we have to do, we have to RMS value of current and voltage, we have to drive the, in this we have to drive the relation between IRMS and I naught. Do you know what is IRMS? Root mean square current, and this is what? This is peak value of current. So today we have to drive a relationship between peak value of current and IRMS. And we will see that there is a relationship, and that relationship will come, that is IRMS is equal to I naught times of what? Root 2. So this is the relationship which we have to drive today. ठीक है बेटा, तो आज जो चीज़ हमको टू प्रूफ करना है या टू ड्राइव करना है, कुछ भी समझ लीजिए आप, वो ये ड्राइव करना है कि रूट मीन स्क्वायर करंट IRMS और I नॉट के बीच में रिलेशन क्या होता है. रिलेशन होता है कि IRMS इज इक्वल टू I नॉट अपॉन रूट टू. अच्छा, फिर थोड़ा सा देखते हैं IRMS. हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि IRMS क्या था, इसको उल्टा लिखिए, इसको क्या लिखिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में. पहले क्या करिए, अच्छा आपके पास करंट कौन सा है, आपके पास करंट है I इज इक्वल टू हाउ मच, I नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो करंट हम बेटा बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां पर अगर आप IRMS निकालेंगे तो सबसे पहले आप कहां चलिए, उल्टा चलिए, सबसे पहले क्या करिए, स्क्वायर करिए. किसका स्क्वायर करिए, I का. तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, आई का स्क्वायर कर देंगे. फिर क्या लेंगे, हम इसका एवरेज लेंगे. अच्छा, एवरेज लेने के लिए मैंने क्या बताया था, ऐसे करके एक आप ब्रैकेट बना दीजिए. ठीक है, ये एवरेज का सिंबल हो गया. और फिर इसका क्या ले लीजिए, रूट ले लीजिए. तो यही तो हमको करना है, हमको क्या करना है, ये करना है. तो वी विल स्टार्ट आवर प्रॉब्लम फ्रॉम देयर. ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा. सबसे पहले हम जो चीज देखेंगे वो एवरेज निकालेंगे, फिर जो हमारा एवरेज आ जाएगा उसका क्या हम निकाल लेंगे, रूट निकाल लेंगे. तो सिंपल, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसी मेथड से आपको फॉलो अप करना है. ठीक है, तो एज वी नो दैट एसी करंट इज इक्वल टू हाउ मच, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन. ये हमने ड्राइव कर रखी है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में. अब हम जरा देखें, हमको क्या फाइंड आउट करना है, आई आर एम एस. तो कहां से चलेंगे, स्क्वायर चलेंगे जैसा मैंने बताया. तो इस करंट का क्या कर देंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, और फिर हम उस पर क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे. ठीक है, तो पहले हम ये काम करते हैं. तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं, दैट इज एवरेज ऑफ वॉट, आई स्क्वायर. तो जब हम एवरेज ऑफ आई स्क्वायर निकालेंगे तो ये कैसे निकलता है एवरेज, तो एवरेज का सिंपल फॉर्मूला, इंटीग्रेशन यहां पर क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन, जो चीज है उसका इंटीग्रेशन इनटू व्हाट, डीटी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, डीटी. ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं. एंड विद इन द लिमिट्स, मान लीजिए इसकी लिमिट कितनी है, जीरो से लेकर टी है, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, जीरो से लेकर टी हो जाएगी. ठीक है, तो हम जरा देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो जैसे हम इसको रखेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वी विल गेट द एक्सप्रेशन लाइक दिस, दैट इज स्क्वायर, वी आर फाइंडिंग द एवरेज वैल्यू इन दिस वे, वी आर फाइंडिंग एंड इट विल कम्स टू बी हाउ मच, दैट इज जीरो टू टी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर आई नॉट साइन, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू वॉट, डी टी. और नीचे जरा बताइए, जीरो से टी का इंटीग्रेशन कितना निकल के आएगा, टी. ये तो आप करते हुए आ रहे हैं कल से. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में
क्या बाहर निकल के आ जाएगा, आई नॉट बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर इज हाउ मच, आई नॉट अपॉन टी एंड इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 टू टी इज इक्वल टू हाउ मच, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू वॉट डी टी। तो मैं इसका बता रहा हूं, अगर आप इसको सॉल्व करोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी विद इन द लिमिट डी टी, इट विल कम्स टू बी हाउ मच, टी बाई टू, इट विल कम हाउ मच, टी बाई टू। अभी तो मैं करके दिखा देता हूं आपको अलग से, जिससे आपको याद रहे कि क्या हो गया, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी, यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो जरा देखें, तो साइन स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसको हम क्या करेंगे, हाफ एंगल में चेंज करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला देखना पड़ेगा बेटा आपको, एज अ मैथमेटिक्स या रिमेंबरिंग के लिए मैंने इधर सारी चीजें लिख रखी हैं जिसको आप याद रखें। तो एक फॉर्मूला क्या होता है कि दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू वन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन वॉट टू, ठीक है। तो ये हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे इस तरीके से, ये बनता है हमारे पास में, और फिर हम इसका यूज करके इसको क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, ये वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी, सॉरी वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन वॉट, ये आ गया हमारे पास में एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला। आप कहें ये फॉर्मूला कैसे आया, तो चलिए ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया। तो इस फॉर्मूले के लिए एक चीज ध्यान रखिए कि कॉस टू थीटा माइनस या कॉस टू, चलिए तो ये तो आप अपनी मैथमेटिक्स में अगर आप देखें तो इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, अब इस जगह थोड़ी सी कम है, तो वैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा होता है, इक्वल टू हाउ मच कितना होता है बेटा, कॉस टू थीटा होता है, और फिर हम उसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस टू थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी हाउ मच, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस वॉट, कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोलिए, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एंड दिस इज हाउ मच, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन चेंज हो जाते हैं, और ये क्या आ गया अपने पास में, कॉस टू थीटा आ गया, ये कितना हो गया, ये हो गया टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया, कॉस टू थीटा प्लस वन, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, कॉस टू थीटा प्लस वन अपॉन वॉट टू। तो ये तो मैंने कॉस का निकाला है, इसी तरीके से आप किसका निकाल सकते हैं, साइन का निकाल सकते हैं। तो अब आप क्या चेंज करिए, इन प्लेस ऑफ कॉस यहाँ पर क्या लिख दीजिए, साइन लिख दीजिए। चलिए मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको, जिससे आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से आई हैं बेटा। तो अब देखिए मैंने क्या बताया, ये फॉर्मूला है, अब किसको चेंज, पहली बार मैंने उसको, अब इसको चेंज कर देते हैं, कॉस टू थीटा कितना हो जाएगा, दोनों फॉर्मूले इसलिए बताएं जिससे आपको आगे याद रहे। तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर ये लिख दिया, ठीक है। अब जरा देखिए कितना हो गया, ये कॉस टू थीटा था, और इसको करोगे आप तो कितना हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको इधर ले आइए तो टू साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इधर ले जाइए तो वन माइनस कॉस टू थीटा। तो यहाँ से जरा देखिए साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वॉट टू, और यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना है, ओमेगा टी। तो ये फॉर्मूला ऐसे बना है, ये फॉर्मूला कैसे बना है, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। तो जरा देखिए यहां पर जब यूज करेंगे तो क्या आएगा, आई एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन टी इंटू वॉट इंटीग्रेशन, क्या यूज करेंगे हम इसकी जगह पर, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू, और यहाँ पर साथ में क्या आ गया, डी टी। अब जरा बताएंगे लिमिट कितनी थी, लिमिट थी जीरो से लेकर टी तक। अब बताइए टू कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, फिर एक बार डी टी का इंटीग्रेशन वन के साथ में, और एक बार डी टी का इंटीग्रेशन कॉस टू थीटा के साथ में। तो राजा देखते हैं, तो ये क्या आ गया, आई नॉट, यहाँ पर क्या आ गया, आई नॉट अपॉन वॉट टू टी, ठीक है, टू बाहर आ गया। एक बार ब्रैकेट लगा देते हैं, एक बार इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी वन डी टी के साथ में, फिर माइनस का साइन है, और फिर हमने लगाया जीरो से टी, और क्या आ गया, कॉस टू ओमेगा टी इंटू वॉट डी टी आ गया। अब जरा इसको सॉल्व करें, इसका कितना आ जाएगा, अगेन कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, और यहां पर क्या कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये ब्रैकेट था आपका, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, ये आ गया, तो ये आ गया आई नॉट अपॉन वॉट टू टी, और यहां से कितना आ गया आपके पास में टी, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, डायरेक्ट टी, और इसका जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, कल हमने देखा था कितना निकल के आता है, जीरो।
सॉल्व करोगे, आप वैल्यू लगाओगे तो उस कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, सारी वैल्यू लगाओगे, एक बार टी लगाओगे, एक बार जीरो, कितना निकल के आ जाएगा, जीरो। कल हम कर चुके हैं इस चीज़ को। तो जब सॉल्व करोगे आप तो आपके पास में आई एवरेज का स्क्वायर आ गया। देखिए ये टी से टी क्या हो गया, कैंसिल, आई नॉट अपॉन वॉट, टू। अभी आपने क्या निकाला है बेटा, आई एवरेज। आपको क्या निकालना है, आई आर एम एस। तो ये अगर मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी तो ये क्या हो गई, सेकेंड, और ये क्या हो गई, थर्ड। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड। अब जरा देखिए, जैसे इसको यहां पर रखोगे इस ब्रैकेट की जगह पर, तो आई नॉट अपॉन टू को, तो क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, और वो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज आई आर एम एस। कितना निकल के आया, अंडर रूट लगा दीजिए बस इसके ऊपर, आई नॉट अपॉन वॉट, टू। ठीक है, तो ये हमने करा। अच्छा जरा सा ध्यान दीजिए, कोई एक चीज करिए, यहां पर कितना था आई स्क्वायर, तो यहां पर भी कितना आएगा आई स्क्वायर, यहां पर भी कितना आएगा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर, स्क्वायर हमारा छूट गया था बेटा। ठीक है, हमने आई ले लिया था, तो वो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अब यहां से जो बाहर निकाला आपने तो कितना आ गया, यहां पर आई नॉट अपॉन वॉट, रूट टू। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉट, आई आर एम एस एंड पीक वैल्यू। तो क्या आपने ड्राइव करा, दैट इज आई आर एम एस इज इक्वल टू हाउ मच, आई नॉट अपॉन वॉट, रूट टू। अच्छा इसी तरीके से सिमिलरली आप क्या ड्राइव कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि वी आर एम एस भी कितना होगा, वी नॉट अपॉन वॉट, रूट टू। सो दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, किसी के फॉर्म में आ सकता है, जिसको आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपल, फिर से स्टेप में देखते हैं। पहले आई आर एम एस, तो उसके लिए जो आपके पास में आई है उसका पहले स्क्वायर करिए, फिर उसका एवरेज लीजिए, मीन लीजिए, फिर उस पर रूट लगा दीजिए, फिर पहले एवरेज सॉल्व कर लेते हैं। तो एवरेज को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन, जो वैल्यू है उसी का स्क्वायर इनटू व्हाट, डीटी अपॉन दिस। ये आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में करना, भी करेंगे न्यूमेरिकल। फिर हमने वैल्यूज लगाई, इस तरीके से करा, सॉल्व करते हुए आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ गया, सब जगह पर आई नॉट का स्क्वायर बाहर, टी बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको हमने यहां पर एक एंगल का फॉर्मूला कैसे आया उसको यहां रखा, और फिर इंटीग्रेट करा, कॉस टू ओमेगा टी जीरो से लेकर टी के बीच में कितना होता है, जीरो होता है, और वन डी टी का कितना होता है, टी होता है, सब सॉल्व करा, ये वैल्यू निकल के हमारे पास में आ गई। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आई आर एम एस एंड वी आर एम एस। ठीक है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, आई आर एम एस एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट, एंड वी आर एम एस एंड पीक वैल्यू ऑफ व्हाट, वोल्टेज। नाउ वी आर डूइंग अ स्मॉल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस, देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे पास में, सिंपल सिंपल, तो समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, रब कर लें इसको जल्दी से। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप इजी वे में इसको बेटा समझ रहे हैं तो। ठीक है, फिजिक्स क्या है, अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत इजी है, आपको उससे क्या होना शुरू हो जाएगा, प्यार होना शुरू हो जाएगा, किससे, फिजिक्स से। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स प्लीज़ आस्क मी। ठीक है, आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है, आई एम ऑल्सो मिसिंग माई स्मॉल चाइल्ड्स, my daughters and my sons. So if any doubt, just ask me the doubt. I will write the number in description box. You can ask anything. I will always with you. ठीक है, now the simple question. The question is like this. What is the average value of AC voltage? क्या question है, board में आया हुआ question है, question number one. What is the एवरेज वैल्यू ऑफ ऑफ एसी वोल्टेज। ठीक है भाई, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, एंड दे हैव गिवन यू द एसी वोल्टेज इज व्हाट, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इन्होंने अपने को लिमिट भी दी हुई है। ठीक है, क्या दे रखा है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी विद इन द लिमिट, विद इन द लिमिट्स जीरो टू, क्या दे रखी है इन्होंने लिमिट अपने को, जीरो टू, टी की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, और टी की वैल्यू कहां तक जाती है, टी गोस टू हाउ मच, पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो एवरेज का सिंपल सा तरीका,
जिस चीज़ का एवरेज लेना है तो आपको क्या निकालना है, वी एवरेज निकालना है। यही तो फॉर्मूला है बेटा अपना वी एवरेज का। और क्या है सुंदर सा फॉर्मूला एवरेज का, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वी डी टी अपॉन हाउ मच डी टी एंड व्हाट इज द लिमिट, जीरो टू पाई अपॉन व्हाट ओमेगा, जीरो टू व्हाट पाई अपॉन ओमेगा। सिंपल डेरिवेशन के हिसाब से क्वेश्चन हो गया, सॉल्व नहीं सॉल्व हो गया बेटा। अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, वी विल सब्स्टिट्यूट हियर, व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू व्हाट यू विल गेट, जीरो टू पाई अपॉन व्हाट ओमेगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन हाउ मच, दिस इज इसका कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा और लिमिट क्या लग जाएगी, जीरो से लेकर व्हाट पाई अपॉन ओमेगा। अच्छा फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से हम यहाँ से वी नॉट बाहर निकाल देंगे, लिमिट क्या बचेगी अपने पास में, जीरो से लेकर पाई अपॉन व्हाट ओमेगा। और साथ में अच्छा यहाँ डी टी छूट गया था ध्यान रखिएगा, फिर क्या हो गया साइन ओमेगा टी इंटू व्हाट डी टी। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बेटा अब जल्दी से मुझे बताइए कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी साइन थीटा क्या होता था, जरा ध्यान रखिए पिछले वाले लेक्चर्स में याद करके बताइए मुझे जल्दी से क्या निकल के आई वैल्यू, तो वी एवरेज जरा बताएंगे क्या आ जाएगा, वी नॉट एंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज व्हाट माइनस कॉस, साइन थीटा इज व्हाट माइनस कॉस, बट देयर इज ओमेगा टी, तो ओमेगा कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, जीरो से लेकर पाई अपॉन ओमेगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, और बच्चे नीचे क्या आ गया, ओमेगा आ गया, क्योंकि साइन का क्या होता है माइनस कॉस, और थीटा के साथ जो वैल्यू लगी होती है यहां पर टी वेरिएबल वैल्यू साथ जो वैल्यू लगी होती है वो कहां जाती है, नीचे आ जाती है, और नीचे क्या बच रहा है बच्चे, नीचे बच रहा है पाई अपॉन व्हाट ओमेगा। अब जरा बताइए ये माइनस कहां चला जाएगा, बाहर। ये देखिए अगर आप चाहें तो ये ओमेगा बाहर जाए, तो ये वाला ओमेगा और ये वाला ओमेगा तो भैया कट गया, ठीक है, वन टू थ्री फोर, टू फोर कट गए, ठीक है। अब आपके पास क्या आया बच्चे, आपके पास में माइनस का वी नॉट, अच्छा साथ में लिमिट लगाई लगी हुई, अच्छा आपने तो इंटीग्रेशन कर लिया तो इसकी लिमिट यहां पर लग जाएगी जीरो से लेकर हाउ मच दिस, ठीक है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यूज आइए। अब जरा देखिए इसका कॉस में वैल्यूज लगा दीजिए, तो एक बार कॉस क्या है ओमेगा, और टी की जगह पर क्या लगेगा दिस वैल्यू, कितना आ जाएगा पाई, और फिर दूसरा माइनस का क्या हो जाएगा कॉस ऑफ व्हाट जीरो, ठीक है, और नीचे क्या बच रहा है अपने पास में एक सिंपल पाई बच रहा है। तो मुझे बताइए ये क्या हो गया कैंसिल, जरा कॉस पाई की वैल्यू बताइए कितनी होती है एंड कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो आप पाएंगे कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन, तो माइनस वन और माइनस वन कितना हो गया माइनस टू, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा प्लस टू, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का वी नॉट अपॉन पाई, अंदर कितना बचा माइनस वन माइनस वन, तो ये सब कुछ सॉल्व करा तो आपके पास में कितना आ गया, आपके पास में वी एवरेज कितना निकल के आ गया, देखिए ध्यान से वी नॉट अपॉन व्हाट, और टू कहाँ चला गया माइनस माइनस प्लस अपॉन व्हाट पाई। देखिए मैंने आपको आई एवरेज बताया था जब डेरिवेशन कराया था, और अब इस समय हमने क्या कर लिया वी एवरेज, तो ये तो आई आर चाहे वी एवरेज निकालिए चाहे आप व्हाट आई एवरेज निकालिए, तो आपने देखा था आई एवरेज कितना निकल के आया था आपके पास में, आई एवरेज निकल के आया था वहां पर आई एवरेज डेरिवेशन में देखिएगा टू आई नॉट अपॉन व्हाट पाई, और यहां पर आपने क्या निकाल लिया वी एवरेज, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ये कितना हो गया वी नॉट अपॉन व्हाट पाई। दिस इज अ सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन व्हाट दिस टॉपिक, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, आपको थोड़ा और इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो वो देखते हैं। तो ये तो एवरेज का हमने क्वेश्चन करा, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है आई आर एम एस वैल्यू पे, किस पे है बेटा आई आर एम एस। तो आई आर एम एस को करने से पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, एवरेज निकालना पड़ेगा, अभी पढ़ा अपनों ने, ठीक है। तो आई आर एम एस को निकालने से पहले क्या करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप क्या है अपने को एवरेज निकालना पड़ता है, बट दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट ग्राफ, तो ग्राफ में तो डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, तो वहां पर आप वो वाला फॉर्मूला याद करिए कि आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आई एन का स्क्वायर अपॉन व्हाट एन। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि फाइंड द आर एम एस वैल्यू ऑफ द ग्राफ इज फॉर व्हाट ऑफ करंट इन गिवन फिगर,
ऑफ करंट इन गिवन फिगर एंड द फिगर इज लाइक दिस। बहुत सिंपल सा ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर ग्राफ की वैल्यू इस तरीके से है, यहाँ पर इस तरीके से है, यहाँ पर इस तरीके से है, और फिर मेरे ख्याल से नहीं है, इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इट इज लाइक दिस, इन दिस वे देयर इज द प्रॉब्लम एंड दे हैव गिवन यू द सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज ऑफ दिस। दिस इज प्लस टू लेट अस सपोज एंड दिस इज माइनस टू, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम एंड दिस इज वॉट, दिस इज एम्पियर, इट मीन्स इट इज वॉट करंट एंड हेयर इज वॉट टाइम। तो अब मुझे बताइए आपको क्या निकालना है बच्चे, आपको निकालना है इसमें IRMS। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो जरा जल्दी से मुझे बताइए, सोचिए। मैंने एक मिनट का आपको टाइम दिया है, एक मिनट तो नहीं 30 सेकंड दे रहा हूं। हाउ विल यू फाइंड आउट, दैट्स यू हैव टू फाइंड आउट। सोचिए जल्दी 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 सोचिए और करिए। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखना है आपको। तो इसके दो मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ पता चला? देखिए एक हम इस मेथड से निकाल सकते हैं शायद, देखना बताना क्या कर रहा हूं मैं कर रहा हूं IRMS। क्या था ये? अंडर रूट में I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर और यहां पर I3 का स्क्वायर अपॉन हाउ मच 3। जरा बताइए I1 कितना है? I1 है प्लस 2, I2 कितना है? माइनस 2। अच्छा I3 कितना है? प्लस 2 एंड अपॉन हाउ मच 3। व्हेन यू विल सॉल्व दिस इट इज इट विल कम्स हाउ मच 4 प्लस 4 प्लस 4 अपॉन हाउ मच दिस। अच्छा 4 4 8 और 4 12, तो इट इज हाउ मच 12 अपॉन व्हाट 3 एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस तो दिस विल कम्स टू बी व्हाट 4। तो दैट इज IRMS is equal to how much? Root of 4 and this will comes to be what? 2 ampere. Simple. तो हमने क्या कर दिया, कितना निकल के आ गया हमारे पास में, ये 2 ampere simple सा solution निकल के आया। अच्छा इसके अलावा भी कोई method हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या method हो सकता है? चलिए बड़ा simple है, आपको क्या निकालना है? IRMS निकालना है। और ये क्या था? जो चीज दी हुई है उसका एवरेज का रूट निकाल दीजिए। उसके एवरेज का क्या निकाल दीजिए? रूट निकाल दीजिए। तो यहां पर तो आई की वैल्यू 2 दी हुई है, यहां पर आई की वैल्यू प्लस 2 या फिर माइनस 2 दी हुई है, तो आप आई की वैल्यू लगाइए यहां पर और एवरेज वाले फॉर्मूले से कर लीजिए। तो दिस इज व्हाट? रूट। अच्छा पहले क्या करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, पहले आई एवरेज निकाल लेते हैं भाई। तो आई एवरेज निकाला तो क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू व्हाट? dt अपॉन व्हाट? अपॉन 0 टू व्हाट? t, दैट इज व्हाट? dt। लिमिट लगा दीजिए आप। तो जब आप देखेंगे तो इसमें आपका टाइम कितना है? इसमें टी है, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, सॉल्व करिए, इस मेथड से कर लीजिए, तो चाहे इससे करिए इससे, लेकिन ये न्यूमेरिकल इस मेथड से क्या पढ़ेंगे अपने लिए? इजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज आवर टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेस्ड ऑन व्हाट? सर्किट्स, दैट इज व्हेन एसी करंट पासिस थ्रू विद व्हाट? आर सर्किट, एल सर्किट एंड व्हाट? सी सर्किट। आर मींस व्हाट? रजिस्टर। एल मींस व्हाट? इंडक्टर। एंड सी मींस व्हाट? कैपेसिटर। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Thanks.